नमस्ते, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। पुलवामा में आत्मघाती हमला हुआ, हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। हमारे लिए, सरकारी रिकॉर्ड के लिए नहीं, ये अलग बहस है, इसलिए इस पर जानकारी भी अलग से दी जाएगी। फिलहाल तो सीआरपीएफ मददगार का एक ट्वीट देखिए। इस ट्वीट हैंडल से लिखा गया कि कश्मीर के बाहर रह रहे कश्मीरियों के लिए ये एक हेल्पलाइन नंबर है, उनको कोई परेशानी या हैरेसमेंट का सामना करना पड़े तो वो इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। ये नंबर जारी करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये पुलवामा वाले हमले से कुछ लोगों को कश्मीरियों के खिलाफ अपनी नफरत निकालने का मौका मिल गया। 16 फरवरी को पटना के ल्हासा मार्केट में गुंडों ने कश्मीरी दुकानदारों को मारा पीटा। इस पर गुस्सा बाद में आता है, पहले हंसी आती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र में बेवजह पीटना कैसा लगता है। इसके बावजूद वो कश्मीरी को इसलिए पीटें क्योंकि वो कश्मीर से है, ये बहुत ही अजीब बात है। इस वक्त व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर हज़ारों ग्रुप्स से हज़ारों मैसेज ये कहते हुए मिल जाएंगे कि जहां कहीं भी दिखें ये कश्मीरी, इनको सबक सिखाओ। 17 फरवरी को ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था एक्सपोज देशद्रोहीज, जो देश की एकता संप्रभुता को खुला चैलेंज दे रहे हैं। उनको तो एक्सपोज किया जा सकता है, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। जैसे पुलवामा हमले पर एएमयू के छात्र बासिम हिलाल ने जो ट्वीट किया था उस पर केस दर्ज किया गया और यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। लेकिन जो जैश ए मोहम्मद का एजेंडा बिना उसकी गंदी फौज में शामिल हुए चला रहे हैं, उनका क्या, उनको कैसे पहचानना है, कैसे एक्सपोज करना है और कैसे सज़ा दिलवानी है, इसका कोई रास्ता है क्या? कैसे पहचानोगे इन्हें? पहले मसूद अजहर और कश्मीरी अलगाववादियों का एजेंडा पहचानो। ये आम कश्मीरियों को भारत की जनता और सरकार के खिलाफ भड़काते हैं। जिस कश्मीर को हम अपना मानते हैं, ये वहीं की जनता को हमारे खिलाफ आत्मघाती बमों में तब्दील कर रहे हैं और उनका एजेंडा हमारे आसपास के लोग अनजाने में ही पूरा कर रहे हैं। आंखें खोलो और सोशल मीडिया से सड़क तक नज़र डालो। सोशल मीडिया पर आपको भड़काने वाले वीडियोज़ मिलेंगे जो गालियां देकर कश्मीरियों को सबक सिखाने का आह्वान कर रहे होंगे। गालियां और भड़काऊ बातें वीडियो व्यूज़ के हिसाब से काफ़ी उपजाऊ साबित होती हैं। आप एक ही मुद्दे पर शांति की अपील और मार काट देने वाले दो वीडियो बनाकर देखिए। मारने काटने की बात करने वाले को ज़्यादा लोग पसंद और शेयर करेंगे। तो यहाँ जो भी कश्मीरियों को पीटने के लिए बुला रहे हैं वो जैश ए मोहम्मद को सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और जो रोड पर मार रहे हैं वो भी इनडायरेक्टली जैश ए मोहम्मद का ही काम कर रहे हैं। इनसे बचिए और इनको बचाइए। लोग कह रहे हैं कि गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। गुस्सा होना स्वाभाविक है, ज़रूरी है, लेकिन इस गुस्से में क्या कोई जाकर मसूद अजहर को बांध लाया है? नहीं। किसको पकड़ रहे हैं? कश्मीरियों को। हम कहते हैं कश्मीर हमारे देश का अंग है, क्या गुस्से में कोई अपना हाथ या अपना पैर काट देता है? कभी सुना है ऐसा कि अपने पड़ोसी पर ऐसा गुस्सा आया कि अपना ही हाथ काट लिया? लेकिन लोग यहाँ कर रहे हैं। इन्हें हर कश्मीरी आतंकी लग रहा है। इन्हें अपनी सेना पर भरोसा है, ना इंटेलिजेंस पर। ये बस कश्मीरियों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि मसूद अजहर जो तुम्हें बता रहा है वो 100% सही है। इस तरह से मसूद अजहर ने बिना प्लेसमेंट के हमारे देश में अपने रंग रूट काम पर लगा रखे हैं। इनको पहचानिए, और अगर खुद ऐसा बनकर ऐसे मैसेज फैला रहे हैं तो 2 मिनट ठहर कर सोचिए। हमारे जवानों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि लेने वालों को यूं ही छोड़ दिया जाए, लेकिन अपनों को ही पीटने के बजाय ज़िम्मेदार लोगों से सवाल कीजिए। शुक्रिया।